हेलो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं करूंगी अपने बच्चों से। और मेरे बच्चे जा रहे हैं मंदिर भोले बाबा जी को जल चढ़ाने के लिए। सावन के महीने में तो मैं डेली ही भेज देती हूं, कभी कभी हो जाता है कि बारिश हो रही है तो नहीं भेज पाती क्योंकि गलियों में पानी भरा होता है। तो बच्चे जा रहे हैं मंदिर। जितनी देर बच्चे मंदिर जा रहे हैं उतनी देर मैं बच्चों का लंच पैक कर दूँगी। और ड्यू को मैंने बाहर बांध रखा है। ये दोनों भाई बहन लड़ते झगड़ते जा रहे हैं। गाइस, मैं और सृष्टि के पापा हम लोग जा रहे हैं मंदिर भोले बाबा जी को जल चढ़ाने के लिए। और ड्यू को बांध रखा है बाहर, तो फिर मंदिर में पता नहीं मैं वीडियो बना पाऊँ ना बना पाऊँ, कोई पता नहीं है वहाँ की सिचुएशन कैसी है। अगर बना पाऊँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी, नहीं तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। तो हम लोग आ गए हैं मंदिर। ये हमारे पास हनुमान जी का मंदिर है। तो गाइज, मैं आपको अपनी बहुत क्यूट और जैसे क्या टेस्टी होती है यम्मी सी, वैसे अपनी फ्रेंड मिला रही है। हेलो, तो ये मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी है। जब मैं बहुत खुश होती हूँ तो भी इसके पास भाग कर आती हूँ, और जब बहुत दुखी होती हूँ तो भी इसी के पास भाग कर आती हूँ। हेलो हेलो, दस फ्रेंड नहीं बनानी है, एक ही बनाना है जो सुख दुख में साथ में रहे। तो ये उनमें से एक है, अनमोल हीरा हमारा। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट, मार्केट में लेट हो रहे हैं, वापस आएंगे, स्पेशल मिलेंगे आपसे और होम टूर करवाएंगे अपने फ्रेंड का। बने रहिए ब्लॉग के साथ। ये भी हमारा बहुत अच्छा बेटा है, बहुत ईमानदारी से काम करता है पूरा, और बहुत मजाकी है। तो गाइज, मैंने अभी आप सबको अपने फ्रेंड से मिलाया है। सच में ही जितनी देखने में सुंदर है उतनी इसका नेचर बहुत प्यारा है, बहुत हेल्पफुल है और मेरी बहुत मदद करती है। और मेरे घर के पास में रहती है तो मेरे को ज़्यादा अपनी मायके की याद नहीं आती क्योंकि मेरी मायके की सारी कमी मोस्टली पूरी कर लेती है। और इनका नाम है कविता। तो ये मेरी फ्रेंड की शॉप है, नीचे दुकान है और ऊपर पूरा घर है, तीन मंजिल मंजिला घर है इनका। और बहुत अच्छे नेचर के हस्बैंड वाइफ दोनों ही। और अब हम आगे आ चुके हैं और हम जा रहे हैं मार्केट, लेकिन मुझे भी नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं क्योंकि मेरे लिए सरप्राइज़ है। तो आगे जाके देखते हैं कहाँ लेके जाते हैं सृष्टि के पापा हमें और मेरी पापा। तो इन्होंने तो पहले मुझे फालूदा आइसक्रीम खिलाई, लेकिन फालूदा तो नहीं खाई मैंने, दूसरी कुल्फ़ी सी खाई थी। और कुल्फ़ी लेकर हम जा रहे हैं आगे होते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये पार्क है, ये पूरा जहाँ गाड़ी खड़ी है इसके अंदर पूरा पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है। तो पार्क की वीडियो बनाएंगे हम कभी स्पेशल आकर बच्चों के साथ। फ़िलहाल तो अभी हम जिस काम के लिए जा रहे हैं उस पर ध्यान देते हैं। तो गाइस, बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और सृष्टि कर रही है अपने स्कूल का काम, और शाम के 5 बज रहे हैं। और मैंने सुबह दूध गर्म नहीं करा था तो मैं दूध गर्म करने के लिए लगाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैंने सोचा कमरे में भी जाके देखूं कि प्रिंस पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। लेकिन जाके देखूं तो आई एम शॉक्ड, खुद देखिए कि अंदर क्या हो रहा है पापा और बेटे का। तो लो जी, ये दोनों तो चेस खेल रहे हैं, और जैसे मैं बोलने लगी उन्होंने मेरे को चुप करा दिया, तो मैं भी चुपचाप बाहर आ गई हूँ और इनको डिस्टर्ब नहीं करा है। तो बाहर आके मैंने भी हाथ मुंह धोए और अपनी पूजा पाठ करा है, और उसके बाद जो है दूध गर्म करने के लिए लगा दिया है। और इसी के साथ अपने ब्लॉग की एंडिंग कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप एंजॉय, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अगेन, बाय बाय।